जुगनू हाजर है, जुगनू हाजर है। गल्ला सच्चियां खोल सुनावे, ना किसे गलों कबरावे, जे हसने नू दिल चावे ताया जो खड़ जांदा जनाब, कदे बस्ता लेके विच स्कूले वड़ जांदा, मटियां डूंगियां वड़दा ही, ओ बड़े पेत खलौंदा बीबो पुआ कमड़ी तो वागरू वागरू, भला कौन हसे बिन रह जो चंडे अमली तो हल मिलावा, ओ कम केड़े जो नी करदा ना काटे ओ वादे ओ डरदा, कदे जित जांदा कदे हरदा वेखो जी। आज की नोट सभा का सेशन शुरू करते हैं। सरदार जगमोहन सिंह जी, अपना मत रखिए। दोस्तों, असी दोस्त केड़े पासे हो गए, असा दुश्मन है, दुश्मन थोड़े, बल्कि तुसी किसी दा भी दोस्त नहीं आ गए। आपको टाइम मिलेगा, मुल्क दा दुश्मन बन गया तुसी, तुसी दोस्तों खड़े मुंह ना कहे, दोस्तों आप मेरे मुंह ना दोस्तों कह रहे हो। मेरी बात सुनिए, पहली गल दी सादी कथा, तो सांसद महोदय, सांसद महोदय मेरी बात, दोस्त करी गल दी आ गया साडी, इथे केड़ियां दोस्तियां ने, असी इकट्ठे पढ़दे रहे हां। मेरी बात, मैं दसदा मेरे भाई दोस्त आए सी पाकिस्तान तो, बात सुनिए, आपको टाइम मिलेगा आप बोल लीजिए, थोड़ी इज्जत करके चुप हो जी। दोस्तों, दोस्तों साथियों, असि कितों साथी हैं, थोड़े साथ छड़न लगे हैं, थोड़ा तुसी कहदे साथ दे काबिल है नहीं, साथी हो गए, सांसद महोदय वैसे साथी हो गए सी, आप अपने टाइम में बोलिए, कोई गल नहीं, गलत होगी सारा जिला मुद्दा वही गलत हो गई, आप दोस्तों से बोल लीजिए, दरअसल मैं थोड़ी जी गलती कर गया सी, इन्हां नूं साथी कह बैठा, इहदा इन्हां ने घरदिआं दा साथ नहीं दिता, ते साडा तां साथ की देना, साडी सरकार दा साथ की देना। स्पीकर साहब, उनको ढोलकियां ना बजाउण, कोई मुजा चल रहा, ढोलकियां बजा रहे ने, मैनूं गल दा पता, ढोलकियां बजाउंदी इत्थे तां काए ने, बजाउण बजाओ, क्योंकि ढोलकियां दे काम नहीं हुंदीआं, तुहानूं अनपढ़ां नूं की पता, इह ताड़ियां हुंदीआं, ताड़ियां एप्रीशिएशन। इन्ने गंभीर मुद्दे ते स्पीकर साहब अज असीं बहस कर लगे हां, हैं पूरा देश इक चौराहे ते खड़ा है, ते इहनां नूं ढोलकियां सोईदे, ढोलकियां ऑर्केस्ट्रा चक के इत्थे भर्ती कर ले, पता ही नहीं लगा कित्थों कित्थों आ गए ऑर्केस्ट्रा वाले। महोदया मेरी बात सुनिए, आप अपने टाइम में बोलिए, उदों भी बोलांगे जी। मेरे देशवासियों, तुहानूं पता ही है, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਚੁੱਪ ਕੀਜੀਏ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੋਦਯਾ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕੀਜੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਚੁੱਪ ਕੀਜੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। मेरे प्यारे देशवासियों, तुहानू पता ही है कि तुसी साडा साथ दिता, साडी सरकार बनाई, ते साडी विरोधी पार्टी हुण साडियां लत्तां खिच रही है, साडी सरकार दियां लत्तां खिच रही है, मुल्क दियां लत्तां वढ के रख दियां तुसी, तुसी की बोलण नूं मरदे हो, हैं लत्तां खिचे असीं, असीं लत्तां खिचे, सारे मुल्क दियां लत्तां खिचे ने तुसी, थोड़े बाहां दा है नहीं, लत्तां ही खिचांगे असीं, मैं की करूंगा, सारे मुल्क दा तुसी खुंजे ला के सारा मुल्क, अमरीका खिचे, अमरीका खिचे, हाय अमरीका, अमरीका आप चली गई, लत्तां खिचे, अमरीका च आप लूसो, सांसद महोदय, अमरीका हर गल दा अंत फसाउंदा, असीं लत्तां क्यों ना खिचीए, आपको टाइम मिलेगा, आप अपने टाइम में बोलिए, बोलिए, तुहानू पता ही है कि इस पूरा मुल्क साडा एक परिवार है, ते मैं इस परिवार दा मुखी हां, ऐसे गल्ले असीं दुखी हां, ऐसे गल्ले असीं दुखी हां, आप चुप ही रहना सारी उम्र यार, गल करन दियो, मुखी होण दे नाते मेरी इक जिम्मेवारी लाई गई है कि इस नोट सभा विच अपना मता रखा, और तुहानू पता ही है भी हर मता रखण वास्ते
हर बंदे नूं गल करन वास्ते अपने घर दी रह लेनी पैंदी है। दोस्तो अज मैडम जी नहीं आए, मैं उन्हां दी खाली कुर्सी नूं सलाम करदा ते इस नोट सभा विच विश्वास दा मता रखदा। शेम 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 शेम। कामरेड साहब आप बोलिए स्पीकर महोदया, मैं शुक्रिया अदा करदा मैनूं टाइम दित्ता तुसीं। जदों फिर इन्ना टाइम आया सी किवें बोलणा मैं सारे स्पीकरां नूं टाइम दिंदे। आप चुप कीजिए, उनका टाइम है उनको बोलने दे। बोलण नूं मरदे ने। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं शुक्रिया अदा करदा। कामरेड साहब आप अपनी सुर जरा नीचे कीजिए, आपकी समझ ड्रामेबाज कह रहे हो, खुद बड़े ड्रामेबाज शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं तो यह पूछना चाहना इन्हों को, यह पूछना चाहना भी गवर्नमेंट का मतलब की होंगे। गवर्नमेंट का मतलब होंगे जेड़ी मिनट मिनट से गौर करे चलाइया ने चला मैं कहना भी यह सारिया अमरीका कठपुतलिया ने कठपुतलिया अमरीका के हाथ बेचता इंडिया करो। मैं कहना बुशु प्रधानमंत्री बना दे। प्रोफेसर साहब बने फिर कहने इकोनोमी के प्रोफेसर ने पाकिस्तान पढ़ के आए ने, जो पढ़ के पाकिस्तान आए ने साढ़े ना की लेना देना। एक गल सुन लो मेरी बड़े प्रोफेसर साहब, कोई पाकिस्तान में पढ़ के तीन चार इलेक्शन लड़के प्रोफेसर नहीं बन जाता, कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। कामरेड ने ड्रामे करने वाले ड्रामा उरे नहीं करना चाहिए। ड्रामा करने वाले कामरेड कुछ नहीं कर सकते। अच्छा असीं फंड इकट्ठा करदे आ, तुसीं फंड खा जांदे सारे। देखो स्पीकर साहब उन्होंने कहो अपनी बारी दे बोलो, नहीं तो फिर इत्थे इत्थे फिर महाभारत हो जाणी शुरू। इत्थे आप चुप कीजिए, बोलिए आप बोलिए। मानयोग स्पीकर साहब इस वक्त पूरा मुल्क मैनू सुन रहा है, शुक्रिया स्पीकर साहब। आज पूरा देश मैनू कल्ले नू सुन रहा है, बड़ा अच्छा मौका मिला मैनू अपनी पड़ास कढ़न दा। इन्होंने अपनी पड़ास कढ़ ली, अमरीका दे हाथी बेचा गया अपना मुल्क। अब दे जवाक इन्हां दे अमरीका पढ़ते ने, की रह गया इत्थे। इत्थे शहीदां ने खून दे के साडे वर्गे ने जेड़ां च अपनी जिंदगियां गाल के मुल्क नूं याद कराया सी, ते अज फिर असीं उसे ईस्ट इंडिया कंपनी नूं असीं बिकदे जा रहे हां, बिकदे जा रहे हां। इह कहिंदे ने पता नहीं किन्ने टन बिजली पैदा होगी, 200,000 टन की होंदा ओह मेगावाट, चल जिहड़ा मर्जी होंदा वी इह कहिंदे ने। इह बिजली बुजली कोई नहीं पैदा होंदी, बिजली ना लोकी लग के मर रहे ने, किसान आत्महत्या कर रहे ने, इन्हां नूं अपनी बिजलियां दी पई है। ए परमाणु बंब आपदी गवर्नमेंट ते चला लिया, हुण किथे जाओगे? कामरेडो 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 रस्ते ते खड़ा, इस रस्ते ते खड़ा देश किधर रुड़ीए प्रधानमंत्री साहब? तुसीं बिजली दी गल करदे हो कामरेडो, तुहाडे कोले बच्चे नहीं पैदा हो सकदे होर तुसीं कुछ नहीं कर सकदे। तुहाडे रूस देखो की रूस दी गल छड्ड दिओ, चीन दी गल छड्ड दिओ, गल अपने मुल्क दी करिए। हांजी अज बड़े गंभीर मुद्दे ते स्पीकर साहब बहस चल रही है। दो लाइना मेरे याद आईया ने अज दे मौके ते टुकदियां ने। इरशाद शुक्रिया शुक्रिया कि जो विश्वास दा मता आ जावे फिर इन्हां नूं कौन बचावे, जदों एमपी दी वोट ना थावे तां समझो कुर्सी नूं खतरा है, कुर्सी नूं खतरा है। संग महोदया साध नूं दसो महोदया सरकार नूं खतरा है। ओ जुगनू हाजर है।
मैडम कायावती जी आप बोलिए। आप देख लो ग्लूकोज पे चल रही है सरकार, ग्लूकोज पे। आप चुप कीजिए, आपका टाइम आ गया था, बोलिए। बोलन जो छटे नहीं है मरीज हां, जे मैनू दौरा पै गया ना इत्थे सारी उम्र बन्नी ना मर जाओगे। हार्ट अटैक हो जाऊ पूरे मुल्क हार्ट अटैक कर लगे हो बड़े बड़े समझौते करके बारे कौन गल कर जगमोहन सिंह जी हर एम पी के घरे जाके पैरी हाथ लाते ने एको ही गाने गाते ने मेरी तू सरकार बचा दे मुझको बहुमत दिला दे कैसा है ये मोड़ आया मुलायम ने साइकिल पर बिठाया हथौड़ा और हाथी से बचा दे मेरी तू सरकार बचा दे मुझको तू बहुमत दिला दे मुझको तू लिप ये आगे बड़े दनान सामी है आप असल ये
एमपी इन्हां नूं की जवाब दिंदे ने पता है? वो कहिंदे वोट दिया नहीं जाता, लिया जाता है, जुगाड़ यूं ही नहीं होता, किया जाता है। जुगाड़ दी सरकार चल रही है, जुगाड़बंदी की जा रही है। इन्होंने मानयोग मैडम ने अपने सारे एमके नूं डिनर ते बुलाया। डिनर क्यों बुलाया? डिनर ते पता क्यों बुलाया? सारे एमके नूं डिनर ते बुलाया इस करके कि शायद साडे हरके दा ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मैडम ने हमको डिनर पे बुलाया। ना 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 ना, अपनी सरकार को बचाने का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मैडम ने तुझे खाने पे बुलाया है। दो जवाब होना, दो जवाब होना। ये इन्हां दे जिहड़े एमपी ने ओ जगह जगह तो पूरे मुल्क तो ऐदां चल के आ रहे सी जिवें माता दे भगत हो जांदे ने माता दे दर्शन वास्ते, भेटा गाँव गाँव। चलो बुलावा आया है, मैडम ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, मैडम ने बुलाया है। सारे बोलो, वो सारे बोलो, वो मैनू नहीं सुनिया, मेरी बात सुनिए नहीं लगता। आप चुप कीजिए, आप मेरे को तो बोलने नहीं देते, आप मेरे दिल की बात भी सुनो। जी जी जी। खिलौना खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। हाजिर जी बैठिए बैठिए। आप अपना मत रखिए। माने स्पीकर साहब, आज जो राजनीति हो रही है घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं लोग। डिनर पे बुला के एमपीए नूं पग दे, उन्हें खाने खवा के, उन्हें शराबा पिया के, उन्हें लुभाया जा रहा है, लालच दिते जा रहे हैं। क्यों बुलाते हैं डिनर पे? कदे सोचिए? मैं दसदा क्यों बुलाते हैं डिनर पे। असल बहुत बड़ी एक साजिश होंगी है, डिनर पर बुला के उन्होंने रोटी रूटी खुआ के वो तो बाद उन्होंने मिन्नत करते हैं कि तुसी मेरा नमक खाधा है, हुण ये नमक नूं हराम ना करे, नमक हलाल दे। मानियो जगमोहन सिंह जी तो डिनर पर बुला के एम पी ए नूं बड़ी स्क्रीन पर शोले फिल्म का डायलॉग सुनाते हैं कि सरदार हमने आपका नमक खा लिया। फिर जगमोहन सिंह जी कहते हैं इस डायलॉग नूं उल्टा कर दें, हुण सरदार कह रहा है कि तुसी सरदार दा नमक खाधा, हुण साडी पार्टी दी इज्जत बचा दिओ, साडे हक च वोट पा दिओ। बैठिए। मैं कहना ठीक है तुसी शोले फिल्म दे डायलॉग सुना लो कि हमने आपका नमक खाया है, लेकिन ए पेरे देश की जनता गब्बर सिंह बन के थोनू पूछूगी कि अब तेरा क्या होगा कालिया। इधर वो अपनी जबान में लगाम लाने वास्ते कहो, नहीं तो मैंने जबान में जिंदा रखा। और बस बस तू बोलने लगी मैं तेरे हैंड वो राजनीति या किस्म की राजनीति कर रहा। राजनीति तो हनु राजनीति बारे की बता, तुसी राजनीति बारे की जानते हो? एक कल दे जवाक राजनीति की दसंगे, तुसी राजनीति कितों सीख के आओ, कितों राजनीति सीखनी चाहिए, फिर राजनीति में आना चाहिए, तुसी इन्नी घटिया राजनीति कितों सीख। मैं तुहानू दसना चाहुंदा बड़े तजर्बेकार नूं, माननीय मंत्री साहब जिन्ने दिन तुहानू पार्लीमेंट आउंदे नूं हो गए ओने साडे दोनों की जिंदगी च सैटरडे ते संडे। राजनीति सीखने की गल कर दियो, मैं राजनीति सीखी हुई है मेरे सके बाप तो। बाप तो राजनीति केड़ी सीखी है? मैं अपने बाप नु कहा, तुहानू पता है मेरे पिता जी बहुत बड़े लीडर रहे ने। बे मैं जानती हां तेरे बाप नु, बे ओ ता इन्ना परमात्मा बंदा सी है, ते तू किथों जिन्न जन्म पे ओदे खड़े। देखो जी तुसी गल कर रहे हो, बस कर, बस कर, बस कर।
ਉਹ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ। ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਦਿਲਕਦਾ ਜਾਵੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਕਾਰ ਮੇਰੇ ਟੋ ਬੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਤਿੰਨ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਕੱਚੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭੈਣੇ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੇ ਵੀਰਾ, ਬੇ ਵੀਰਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੋਟ ਸਭਾ ਕਰ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ।